Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क में। दोस्तों आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ और कल भी क्लास आधा घंटा लेट लगी थी और आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ किसी काम की वजह से, क्योंकि आज मैं बाहर गया था और अब जस्ट आया हूँ और आते मैंने आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। आज को इस तरह का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सब बातें बाद में करेंगे क्लास के बाद में। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं फटाफट। पहला हमारा क्वेश्चन, आज हम एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं पैराग्राफ का, तो एडवांस लेवल में ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत आज जो मैंने बनाया वो एडवांस लेवल के हैं, तो आप अच्छे से उन्हें पढ़ेंगे तभी वो समझ में आएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रथम सूची को प्रथम नाम के आधार पर सेंडिंग करना, मतलब जो फर्स्ट सूची आपको दी गई है कहां मिलेगी फर्स्ट सूची, देखो ये लिस्ट वन है ना, इस पहले लिस्ट को आपको क्या करना है प्रथम, मतलब प्रथम नाम का मतलब इस नेम के आधार पर आपको इसको सोर्ट करना। तो इसे सिलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पर जो सोर्ट का ऑप्शन है वहां जाएंगे और यहाँ पर देखो फील्ड टू और फील्ड वन का आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा। आप फील्ड वन करेंगे इसका मतलब ये नेम के आधार पर होगी और फील्ड टू करेंगे इसका मतलब ये फादर नेम के आधार पर, ये जो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक जो क्लास लिख दी मैंने वो फादर नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं फील्ड वन के आधार पर रहेंगे तो ये इस नेम के आधार पर सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ओके करता हूँ। अब देखो सॉरी इसमें डिसेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट था तो ये सेंडिंग कर देता हूँ मैं और ये ओके कर दिया मैंने। अब देखो ए फिर सी फिर एफ आर आर और एस, ठीक है, इस तरीके से असेंडिंग हो गया और फादर नेम है आप यहाँ देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, सुरेश सुरेश कुमार ऊपर आ रहा है। ठीक है, और सूरज वाला नीचे आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मतलब अभी सेंडिंग ये वाला नहीं हुआ, ओनली फर्स्ट नेम के आधार पर अपने किए हैं इसलिए ये यहाँ पर सेंडिंग हुआ है फर्स्ट नेम के आधार पर। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा प्रथम सूची को द्वितीय नाम मतलब फादर नेम के आधार पर आपको असेंडिंग करना है, तो इसे सिलेक्ट करो और वापस असेंडिंग में जाओ और यहाँ फील्ड टू सिलेक्ट करो, कर दिया और ओके कर दो इसे। अब देखो फादर नेम में जो फादर नेम के आधार पर असेंडिंग हो गया है, बी वाला पे ला गया जी वाला फिर ये है ना, तो आप इस समय जब फादर नेम के आधार पर कर रहे हो तो इसको देखोगे और अगर आप फर्स्ट नेम के आधार पर कर रहे हो तो इससे देखोगे आप। ठीक है, ये जो फील्ड होता है इस तरीके से अलग अलग फील्ड आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आज हमारा रहेगा जिस पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर है उसकी लाइन स्पेसिंग को तीन गुना करना मतलब मल्टीप्लाई बाई थ्री करना है, अप्लाई लाइन स्पेसिंग मल्टीप्लाई बाई थ्री ऑन सेंट्रल लाइन पैराग्राफ। देखो सेंट्रल लाइन पैराग्राफ बहुत सारे होंगे इसमें, हो सकता है यहाँ मैंने एक दो दिया लेकिन एग्जाम में बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनको सभी का अलाइनमेंट एक साथ में अगर उनका सेंटर है और उनको क्या करना है इस लाइन स्पेसिंग को मल्टीप्लाई बाय थ्री करना है उन सब के अंदर, तो आप कैसे करोगे सीधा फाइंड एंड रिप्लेस में जाओगे। अब आपको ऐसा तो लग रहा है ये क्वेश्चन किसका है पैराग्राफ का लाइन स्पेसिंग है लेकिन लाइन स्पेसिंग से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सपोज करो ये पैराग्राफ भी सेंट्रल अलाइनमेंट है और ये है दोनों है साथ में तब तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये वाला सेंट्रल अलाइनमेंट है और एक ये वाला सेंट्रल अलाइनमेंट है तो फिर आप क्या करोगे उस स्थिति में आप कंट्रोल का यूज करके इन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है और क्या करना है देखो मैं यहाँ पर मैंने एक ही पैराग्राफ दिया सेंट्रल अलाइनमेंट वाला तो इसका लाइन स्पेसिंग चेंज हो जाएगी, देखना अभी फाइंड एंड रिप्लेस में गए। ठीक है, अब यहाँ से पहले इस बात का ध्यान रख लेना यहाँ कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई नहीं होनी चाहिए, देखो जैसे इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग लगी हुई है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ नो फॉर्मेटिंग क्लिक कर दिया यहाँ नो फॉर्मेटिंग कर दिया। अब देखो हमने की लाइन स्पेसिंग देखो क्वेश्चन क्या है मेरा पैराग्राफ जिसकी अलाइनमेंट सेंटर है मतलब मुझे फाइंड क्या करना है वो पैराग्राफ जिसका अलाइनमेंट सेंटर है, तो फाइंड में क्लिक किया और यहाँ फॉर्मेट में गया पैराग्राफ में गया और यहाँ से मैंने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया यहाँ से और इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर अलाइनमेंट मैंने फाइंड कर लिया, अब उसकी जगह मुझे रिप्लेस क्या करना है लाइन स्पेसिंग मल्टीप्लाई बाय थ्री करना है, फॉर्मेट में गया पैराग्राफ गया और यहाँ पर मैं जाऊंगा लाइन स्पेसिंग में और मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दूंगा और ओके कर दूंगा और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा ओके कर दूंगा। अब देखो इसकी लाइन स्पेसिंग हो गई मल्टीप्लाई बाय थ्री, दिख रहे हैं आपको, तो इस तरीके से जितने भी सेंटर वाले होंगे सभी की लाइन स्पेसिंग मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अभी से मैं कंट्रोल जेड कर दिया वापस, नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल जेड किस लिए किया मैंने क्योंकि आपको बाकी के क्वेश्चन भी इन्हीं पैराग्राफ्स पे सोल्व करवाना है, इस वजह से जो आपको एग्जाम में सॉफ्टवेयर मिलेगा उसके अंदर ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, यहाँ पर मैं कम पैराग्राफ में और एक साथ सभी पैराग्राफ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि मुझे कंट्रोल जेड करना पड़ रहा है और कंट्रोल जेड करने से क्या होगा आपको समझ में भी अच्छा आएगा, पैराग्राफ भी ऊपर नीचे नहीं होंगे इस वजह से। ठीक है, आप भी घर पे जब प्रैक्टिस करें तो जहां तक हो सकता है एक पर लगा ले, नहीं लगता है तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे आप कंट्रोल जेड करके यूज कर ले इनको। कई बार क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं सर ये पैराग्राफ में तीन भागों में डिवाइड हो गया, आप इस पे पूरे पैराग्राफ पे लाइन नंबर कैसे दे,
तो जब ऐसा क्वेश्चन अगर हो रहा है कि भाई इस पे अप्लाई नहीं हो सकता है सिंगल पैराग्राफ में, तो आप उसे वापस कंट्रोल जेड कर लें, क्योंकि वहां पर जो सॉफ्टवेयर सेट होगा उसमें इसी तरीके से सेट होगा और सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे, अलग अलग जगह से आएंगे। अभी मैं आपको एक एक तरीके क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे पैराग्राफ के, इस वजह से मैंने कंट्रोल जेड किया, ठीक है। तो इसे आप कोई इश्यू ना बढ़ाए, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, पूरे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ जिसका भी बायां इंडेंट 1 PT है उसे बोल्ड करना है, ठीक है। अब देखो बायां इंडेंट क्या है, 1 PT, जिसका 1 पॉइंट क्या है, बायां इंडेंट है। तो कैसे आप देखोगे कि इसका 1 PT है, अब इसका भी 1 PT हो, इसका भी 1 PT हो, इसका भी 1 PT, तो आप क्या करोगे, अलग अलग सिलेक्ट नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस से यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसका मैं बता रहा हूँ, इसका 1 PT, देखो मुझे दिख रहा है यहाँ से 1 PT है, तो देखो शुरुआत करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखो फाइंड मुझे क्या करना, पहले फॉर्मेटिंग हटा दो यहाँ से, नो फॉर्मेटिंग, रिप्लेस में क्लिक किया, नो फॉर्मेटिंग, यहाँ जाऊंगा फाइंड व्हाट में, क्या फाइंड करना है, पैराग्राफ जिसका लेफ्ट इंडेंट कितना होना चाहिए 1, लेफ्ट इंडेंट कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये वाला लेफ्ट इंडेंट है, यहाँ पर इसको 1 कर दो, यहाँ से 1 कर दिया। अब इस बात का ध्यान रखना है कि ये चिन्ह इसके साथ में लगाना जरूरी है, अगर ऐसा चिन्ह नहीं लगाओगे तो ऐसे सर्च नहीं करेगा, ठीक है। ये चिन्ह इसके साथ में होना जरूरी है, जो साइड में इंच का जो चिन्ह आ रहा है PT वाला, ये लगा हुआ होना जरूरी है साथ में, अगर ऐसा नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ओके कर दिया मैंने, उसके बाद मैं वहां पर क्या करूंगा, जिसका वन वन लेफ्ट इंडेंट है उसको क्या करूंगा मैं, बोल्ड करना मुझे, तो बोल्ड कहां, देखो रिप्लेस में क्लिक किया, अब मुझे बोल्ड कहां मिलेगा, फॉन्ट में गया और यहां से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है, और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दो। अब देखो इसका 1 इंडेंट था इसलिए बोल्ड हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी पैराग्राफ इटैलिक में लिखे हुए हैं उनकी फर्स्ट लाइन इंडेंट को 2 PT करना है, ठीक है। अब देखो इटैलिक में जितने भी लिखे हुए हैं उनको क्या करना है, देखो ये भी इटैलिक में है, और कौन सा इटैलिक में, ये भी इटैलिक में है, और कोई इटैलिक में नहीं है ना, तो इनका जो जो इटैलिक के अंदर है उनको क्या करना है, 2 PT करना है, क्या करना है 2 PT, फर्स्ट लाइन इंडेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, रिप्लेस में गए वापस, पहले इनकी फॉर्मेटिंग हटाने का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है फॉर्मेटिंग लगी और ऊपर इसके ऊपर और लगा दिया आपने तो नहीं होगा, ये कर दिया मैंने, नेक्स्ट करूंगा। देखो फाइंड क्या करना है मुझे, वे पैराग्राफ जिनका फॉन्ट स्टाइल क्या है इटैलिक है, यहाँ गया, अब मुझे इटैलिक कहाँ मिलेगा फाइंड के अंदर, यहाँ फॉर्मेट में फॉन्ट में मिलेगा मुझे इटैलिक, तो ये इटैलिक में चला गया, ओके कर दिया इटैलिक को, ये लो साहब इटैलिक वाले मैंने फाइंड कर लिए। अब उनकी जगह वापस उनकी जगह चेंजमेंट क्या करना है मुझे, रिप्लेस क्या करना है मुझे उनके जगह पर, उनकी जगह पर रिप्लेस करना है, उनकी फर्स्ट लाइन का इंडेंट 2 PT होना चाहिए। अब मुझे इंडेंट, तो इंडेंट कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ में मिलेगा, तो यहाँ पैराग्राफ में गया, इंडेंट ये रहा। अब इंडेंट में भी कौन सा, फर्स्ट लाइन इंडेंट चाहिए मुझे, फर्स्ट लाइन इंडेंट कर दिया, कितना करना है 2 PT करना है, 2 PT कर दो यहाँ से, ध्यान रहे ये जो 2 PT के बाद में चिन्ह आ रहा है छोटा सा डबल डॉट का ऊपर का, ये लगा हुआ रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके कर दिया और रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके कर दो। अब देखो जो भी ये देखो ये इटैलिक में था, ये देखो 2 PT हो गया, कैसे पता चला 2 PT हुआ, ऊपर देखो रूलर के पास में देखो 2 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये 2 PT हो चुका है, ये भी देखो 2 से स्टार्ट हो रही है, देखो बाकी ये पैराग्राफ 2 से स्टार्ट नहीं हो रहे ना, तो ये हो गया इसका 2 PT इंडेंट फर्स्ट लाइन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, जिस पैराग्राफ में केवल ईच वर्ड अंडरलाइन है उसे हटाकर उसे सेंटर अलाइनमेंट करना, देखो ईच वर्ड अंडरलाइन इसमें है और इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनको क्या करना है सेंटर अलाइनमेंट करना है आपको, तो चलिए सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, कैसे करेंगे, वही वापस रिप्लेस में जाओ, ठीक है, और यहां से ये फॉर्मेटिंग हटा दी मैंने वापस पूरी, ठीक है। अब मैंने फाइंड क्या करना है कि जिस पैराग्राफ का ईच वर्ड अंडरलाइन हो, पैराग्राफ सॉरी फॉन्ट के अंदर जाओ, ईच वर्ड अंडरलाइन कहां मिलेगा, फॉन्ट के अंदर मिलेगा, और ये अंडरलाइन स्टाइल में वर्ड ओनली, ओके कर दिया इसे मैंने। अब उसका मुझे करना क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उसे सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो यहाँ सेंटर अलाइनमेंट कहां मिलेगा, रिप्लेस के अंदर फॉर्मेट में पैराग्राफ में, और ये अपना अलाइनमेंट सेंटर हो गया, ओके कर दो, रिप्लेस ऑल कर दो, ओके कर दो। ये देख लो जिनका फॉन्ट क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, जिनका ईच लेवल अंडरलाइन था वो देखो, ये देखो ये हो गया ईच लेवल अंडरलाइन और सेंटर हो गया, इसके बाद ये भी देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है ना, ये देखो ये सेंटर में आ गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला देखो, अगला है पैराग्राफ जिनकी आफ्टर स्पेसिंग 5 PT हो, वो पैराग्राफ जिनकी आफ्टर स्पेसिंग कितनी हो, 5 पॉइंट हो, उसे 15 पॉइंट करना है, ठीक है। अब देखो 5 पॉइंट किसकी, देखो इसकी कितनी है, मैं आपको पहले यहां से बता देता हूँ, देखो आफ्टर स्पेसिंग 5 पॉइंट है, अच्छा इसकी कितनी है, इसकी भी देख लो,
इसकी इसकी भी 5 पॉइंट है ना आफ्टर स्ट्रेचिंग, और इसकी इसकी भी आप यहां से देखोगे इसकी 10 पॉइंट है, ठीक है। तो एक दो पैराग्राफ की 5 पॉइंट है, उसे हमें किस में देना 10 पॉइंट में। कैसे करोगे, स्टार्टिंग में क्लिक कर दिया, रिप्लेस कर दिया इसे, और रिप्लेस करने के बाद में आपको क्या करना है, वापस से फॉर्मेटिंग हटानी है। फॉर्मेटिंग हटाने के बाद में आपको फाइंड में जाना है और फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फॉन्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जाना कहां पर, सॉरी आपको क्या करना है, पहले फाइंड जो आफ्टर स्पेसिंग की बात चल रही है तो पैराग्राफ में जाना है, और पैराग्राफ में आपको आफ्टर स्पेस जो है वहां पर कितना करना है, 5 पॉइंट करना है। तो ये 5 और पीटी पीटी लिखा हुआ होना जरूरी है, ऐसा ठीक है। इसे ओके कर दो, ठीक है, ये ओके कर दिया मैंने। अब इसके बाद में नीचे गया और यहाँ रिप्लेस वाले में क्या करना है, मुझे 15 पीटी करना है, पैराग्राफ में गया और यहाँ 15 पीटी कर दो, ये आफ्टर स्पेसिंग ये जो ठहरा है इसे हटा के 5 दबा दो यहाँ पर, और इसको हटा दो वापस और ओके कर दो, ठीक है। और उसके बाद में रिप्लेस ऑल कर दो, ओके कर दो, और रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दो इसे। अब देखो यहाँ 5 पीटी थी, अब देखो यहाँ जाओगे आप तो 15 पीटी हो गई है ना, इस तरीके से ये साइज यहाँ पर आफ्टर स्पेस की जो स्पेसिंग है वो हट जाएगी, ठीक है, 5 से 15 हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों थोड़ा जल्दी इसलिए फटाफट समझा रहा हूँ, कोई समझ में नहीं आवे तो वापस आप पूछ सकते हैं, है मेरे को व्हाट्सएप पे या कमेंट करके, जैसे भी आपको पूछ रहा हूँ पूछ रहे हैं, कॉल लगाना कॉल लगा सकते हैं, आपके लिए 24 आवर्स आपके लिए मतलब हर टाइम में 24 आवर 7 डेज आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन सभी को सिलेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं मेरे से, सभी को सिलेक्ट होना जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा। पैराग्राफ 1 की आउटसाइड बॉर्डर लगाइए जिसकी चौड़ाई 3 पीटी हो। देखो पैराग्राफ 1 ये है, अब इसका मैं ईच वर्ड इंडलाइन और हटा दूं एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, मुझे आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, आउटसाइड बॉर्डर लगाना, तो यहां पे जाऊंगा, ये बॉर्डर पड़ी यहां पर, अब इसकी 3 पीटी करनी है, तो पहले यहां पर बॉर्डर एंड शेडिंग में जाऊंगा और यहां से 3 पीटी कर दूंगा, कर दिया, और यहां बॉर्डर लगाऊंगा, सॉरी ये गया मैं, ओके कर दूंगा मैं इसे, और यहां जाने के बाद मैं इसे ओवल बॉर्डर पे, आउटसाइड बॉर्डर लगाना था, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, ये आउटसाइड बॉर्डर आ गई, ओके। इस तरीके से हम आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं, और 3 फीट इसकी चौड़ाई हो गई। पहले चौड़ाई सेट करें उसके बाद आप बॉर्डर अप्लाई करें, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ 2 की सभी लाइनों की आउटसाइड बॉर्डर लगाना है। अब देखो सभी लाइनों पर लगाना है तो क्या करना है आपको, देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेकर के इसका जो लास्ट लेटर है, इससे बाद में देखो एक स्पेस दिख रही है आपको, दिख रही है यहां से यहां के बीच में एक स्पेस दिख रही है, स्पेस को सिलेक्ट करके दिखाऊं, ये स्पेस, अगर आप इस स्पेस को डिलीट कर देते हैं इसका मतलब वो पैराग्राफ हट जाएगा। देखो अब ये पैराग्राफ हट गया है ना, ये इसके अंदर स्पेसिंग ज्यादा थी थोड़ी सी, नीचे एक एंटर दिया होगा, अब देखो ये स्पेस रही, इसे मैं डिलीट करता हूँ, ये पैराग्राफ खत्म हो गया, और जैसे मैं एंटर के नया पैराग्राफ बनाता हूँ तो ये स्पेस यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये स्पेस फालतू की नहीं है, इसे पैराग्राफ स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस से होता क्या है, जब आप इस स्पेस को पैराग्राफ के साथ में सिलेक्ट करोगे और आउटलाइन बॉर्डर लगाओगे, तो आउटलाइन जो बॉर्डर लगेगी आपकी वो लगेगी पूरे के पूरे पैराग्राफ पर चारों ओर। और देखो आगे देखो, नो बॉर्डर कर देता हूं एक बार, और जब आप इस स्पेस को साथ में सिलेक्ट नहीं करोगे, कौन सी स्पेस, जो लास्ट में मैंने बताई थी ये वाली, ओनली यहां तक ही करोगे, ठीक है। देखो यहां तक हो रहा ना, ये स्पेस साथ में आ रही है ना, तो आप इसे यहां पर माउस रखो और उसके बाद यहां से सिलेक्ट कर लो, ये माउस मैंने यहां पर रखे और यहां तक सिलेक्ट कर लिया, आप देखो वो स्पेस साथ में सिलेक्ट हो गई। फिर भी आप इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऐसे कंप्यूटर से भी आप करोगे तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, कि आपको ध्यान से इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहां तक मैंने सिलेक्ट किया इस डॉट से पहले पहले तक, और उसके बाद मैंने आउटलाइन बोर्ड लगाई। अब देखना आप, ये मैंने आउटलाइन बोर्ड लगाई, इसका मतलब सब लाइन पे बोर्ड लग गई ना, ये सब लाइन पे क्यों लगी, क्योंकि हमने पैराग्राफ को अंदर से सिलेक्ट किया है, पूरे पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। जब पैराग्राफ सिलेक्ट होता है तो पैराग्राफ के आउटसाइड में बॉर्डर लगती है, और ये क्या है, पूरा एक सेक्शन है जिसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, पैराग्राफ हमने सिलेक्ट नहीं किया। अगर हम इस स्पेस को जो हाईलाइट दी गई है इसको हम सिलेक्ट करते तो हमारा क्या होता है, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, ठीक है, और तब सिर्फ ऐसी बॉर्डर लगती है, आउटलाइन बॉर्डर, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, नेक्स्ट आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा
अगला क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ दो की सभी लाइनों के पीछे आउटसाइड बोर्ड लगाई है, हमने कर दिया है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में सभी जगह पैराग्राफ मार्क लगाइए। देखो पैराग्राफ मार्क कहां से लगेगा, हमें ये बोर्ड हटा देता हूं आपके ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बोर्ड हटा दिए और इसे मैं सारे को लेफ्ट में कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी इंडेंट है जो मैं वापस कम कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको आसानी से समझ में आएगा हर चीज, ठीक है। अब देखो पैराग्राफ मार्क लगाना, पैराग्राफ मार्क में और पैराग्राफ करेक्टर में बहुत बड़ा फर्क होता है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हैं, इस बात को आप समझ लें, ठीक है। पैराग्राफ मार्क लगाना है, नॉर्मली आप यहाँ पे जाइए, पैराग्राफ मार्क है, इसे आप क्लिक करेंगे, सभी जगह देखिए जहां एंटर लगा हुआ है वहां क्या होगा, ऐसा पैराग्राफ मार्क आ गया, ठीक है। देखो आ रहा है, और अब देखो वो बॉर्डर वाला आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप इस चिन्ह को सिलेक्ट नहीं करेंगे बाकी सबको सिलेक्ट करेंगे तो वो बॉर्डर जो लगेगी आपकी वो पूरी ऐसे लग जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे मतलब इसे पैराग्राफ वाले मार्क को छोड़ के अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो अंदर बॉर्डर लग जाएगी, और पैराग्राफ वाले मार्क के साथ में करेंगे तो आपके पूरे चारों ओर बॉर्डर लग जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, पैराग्राफ मार्क लगाना था हमारा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, जिसमें था पैराग्राफ मार्क, ये हो गया हमारा पैराग्राफ मार्क, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ मार्क कहां लगेगा, जहां जहां हम एंटर लगाएंगे वहां वहां लगेगा, ठीक है। एक लाइन में एक पैराग्राफ मार्क, ओनली एक, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ मार्क अपन नहीं लगा सकते एक लाइन के अंदर, ठीक है। ये इसकी विशेषता होती है, ठीक है। खास बात है यही इसकी कि हम एक लाइन में एक ही पैराग्राफ मार्क लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ मार्क लगा दिया मैंने, 11वां क्वेश्चन देखो, प्रथम पैराग्राफ के अंत में 3 पैराग्राफ करेक्टर लगाइए। अब देखो इसके एंड में यहाँ पर इस पैराग्राफ मार्क से पहले लगेगा जो भी लगेगा वो, क्योंकि पैराग्राफ मार्क क्या है, एक एंटर का रूप है, तो इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ भी, इसके बाद कुछ नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। पैराग्राफ मार्क के बाद में कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर पहले मुझे पैराग्राफ करेक्टर लगाना है, तो पैराग्राफ करेक्टर कैसे लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखें, सबसे पहले आप जाओगे इंसर्ट में, सिंबल में जाओगे, मोर सिंबल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ स्पेशल करेक्टर दिख रहा है। अब आपको बता देता हूं इन स्पेशल करेक्टर को आप ध्यान में रख लेना, ईएम डैश क्या होता है, ईएन डैश कैसा होता है, बहुत काम की चीज है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन भी अभी करा दूंगा। ये ईएम डैश है, ये ईएन डैश है, ठीक है। ये नॉट ब्रेकिंग हाइपन है, ये ऑप्शनल हाइपन है, ठीक है। और ये कॉपीराइट है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ये सब आप याद रख लेना, ठीक है। और ये पैराग्राफ करेक्टर, ठीक है। तो इसे इंसर्ट करना है, कितनी बार करना है, 3 करना है, 1 2 3 इंसर्ट कर दिया, क्लोज करो। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितना आया है, ओनली 2 ही आया ना, एक और कर लेते हैं, वापस कर लेता हूं मैं, स्पेशल करेक्टर पैराग्राफ और इंसर्ट कर दो, क्लोज करो। अब देखो अब ये 3 क्या है, पैराग्राफ करेक्टर, और ये लास्ट वाला क्या है, पैराग्राफ मार्क है। पैराग्राफ मार्क जैसे जैसे आप एंटर लगाओगे एक लाइन में एक ही पैराग्राफ मार्क लगने वाला है, ठीक है। और पैराग्राफ करेक्टर आप कितने भी लगा सकते हैं, ये दोनों मैंने लगा दिए। अब देखो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन क्या है, अगले आगे का क्वेश्चन देखिए, 11 हो गया पैराग्राफ करेक्टर वाला, 3 पैराग्राफ करेक्टर अपन ने लगा दिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्यूमेंट में जहां भी पैराग्राफ मार्क है वहां पर टैब करेक्टर आपको डालना है। अब देखो टैब करेक्टर कैसा होता है मैं आपको देता हूं, जैसे मैं यहां पर एक बार के लिए नीचे आ जाता हूं, ठीक है, या यहीं पर देख आप जो 3 पैराग्राफ मार्क मैंने इंसर्ट किए इसके जस्ट पास में देखिए, देखो मैं टेप दबाता हूँ, टेप करेक्टर आपको दिखा देता हूँ, ये टेप करेक्टर है, ओके। ऐसा एरो मार्क है जो राइट साइड के अंदर जिसका मुंह है उसे हम कहते हैं टेप करेक्टर, ठीक है। तो जहां जहां पैराग्राफ मार्क लगा हुआ है, पैराग्राफ मार्क कहाँ है, हर लाइन के एंड में लगा ऐसा है ना, यहाँ पर जहां जहां पैराग्राफ मार्क लगा हुआ है वहां पर आपको क्या लगाना है, टेप करेक्टर लगाना। तो कैसे लगाओगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाओगे वापस, यहां पर इस पे फॉर्मेटिंग इसके हटाओगे पहले, अब फाइंड, फाइंड में आप स्पेशल में जाओ, पैराग्राफ मार्क, क्या पैराग्राफ मार्क को ध्यान में रखोगे, ठीक है। पैराग्राफ करेक्टर नहीं, पैराग्राफ मार्क, जब पैराग्राफ मार्क बोलेंगे तो पैराग्राफ मार्क ही आप यहां से सिलेक्ट करोगे, और रिप्लेस क्या करना है मेरे को, टैब करेक्टर, देखो टैब करेक्टर ये रहा, ठीक है। और रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो जहां जहां पैराग्राफ मार्क लगा हुआ था, ये देखो यहाँ पैराग्राफ मार्क था, इसके आगे ये टैब आ गया ना, टैब वाला एरो मार्क आ गया, दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा इसके बीच में देखिए, ये सिलेक्ट कर रहा मैंने यहाँ पर, और ये पूरे पैराग्राफ एक क्यों गए, क्योंकि वो एंटर हट गया, जब पैराग्राफ मार्क अपन ने हटा दिया तो वो एंटर हट गया, और यहाँ क्या लग गई, एक टैब लग गई ओनली, ठीक है। तो ये होता है पैराग्राफ मार्क और टैब मार्क, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसे कंट्रोल जेड कर दो, वापस ये आ गया। अब देखो अब यहाँ पर क्या, 3 पैराग्राफ करेक्टर है,
और एक पैराग्राफ मार्क है, ठीक है। तो पैराग्राफ करेक्टर और पैराग्राफ मार्क, ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखें। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, यूज दोनों का अलग अलग है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 13वां क्वेश्चन में क्या है। अब देखो, अगर आपको बोला जाए, एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं ऐसे ही यहां पर। अब अगर बोला जाए कि नहीं पैराग्राफ मार्क को नहीं, पैराग्राफ जहां जहां पैराग्राफ करेक्टर है वहां पर आप इस टैब मार्क दबाए, तो आप क्या करना है, रिप्लेस में जाना है, वापस यहीं पर फाइंड वाले को फॉर्मेटिंग जो है ये फाइंड वाले को डिलीट करना है, यहां से इसको हटा दो यहां से। अब आपको फाइंड क्या करना है, पैराग्राफ करेक्टर करना है, जो मैंने तीन इंसर्ट किए थे ना, पैराग्राफ करेक्टर ये रहा, और रिप्लेस क्या करना है, टैब मार्क, रिप्लेस ऑल करोगे, ओके करोगे। अब देखो, अब देखो सब जगह जहां पैराग्राफ मार्क था वो ऐसा कैसा पड़ा है, लेकिन टैब करेक्टर हो गया। कहां पर, जहां पैराग्राफ करेक्टर था वहां पर टैब करेक्टर आ गया, ठीक है, ओके। ये होता है टैब करेक्टर और पैराग्राफ करेक्टर। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जहां जहां स्पेस मार्क है, स्पेस मार्क यहां पर जब हम पैराग्राफ चिन्ह को ऑनलाइन कर देते हैं या इस पैराग्राफ चिन्ह को हम ऑन कर देते हैं, तो हमारा स्पेस मार्क किसमें दिख रहा है, डॉट डॉट में दिख रहा है। देखो यहाँ पर, देखो जहां जहां स्पेस लगाया वहां डॉट दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है स्पेस लगा के देख लो, देखो स्पेस लगा रहा हूं मैं, डॉट दब रहा ना, इसका मतलब ये क्या है, स्पेस मार्क है, ठीक है। और जहां जहां स्पेस मार्क है वहां पर आपको ईएम डैश लगाना है। ईएम डैश कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया, जो लाइन होती है बीच के अंदर डैश वाली, वापस दिखा देता हूं, ये सिंबल में गया, करेक्टर में जाओ, स्पेशल करेक्टर में, ये है ईएम डैश, कौन सी, ये ईएम डैश ऊपर वाली, ठीक है, तो ये ईएम डैश है। अब मुझे यहां जहां जहां स्पेस वाला है वहां पर क्या लगाना है, ईएम डैश लगाना है। कैसे लगाओगे, यहां गया मैं, सॉरी वापस फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है आपको, और यहां से ये सब हटा देना है वापस। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, केवल स्पेस को फाइंड करना है, तो यहाँ स्पेशल में जाओ, व्हाइट स्पेस ले लो, और मुझे इसकी जगह चेंज क्या करना है, क्या चेंज करना है, ईएम डैश, तो ईएम डैश यहां से सिलेक्ट कर दिया, रिप्लेस ऑल कर दो, ओके कर दो। अब देखो जहां जहां स्पेस था वहां पर ऐसा ईएम डैश आ गया, इसे कहते हैं ईएम डैश, ओके फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरी आज की सलाह ये है आपको कि आप इन पैराग्राफ के जो चिन्ह है, विशेष चिन्ह, इनको ध्यान में रखें। ईएम डैश, ईएम डैश कहां मिलेगा आपको, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ करेक्टर है जो उसके अंदर वहां मिल जाएंगे आपको। बाकी अब हमारे होम टैब के अंदर पैराग्राफ हो गया, फॉन्ट हो गया, और स्टाइल वाला हमारे वहां पर आएगा नहीं एग्जाम के अंदर। क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन भी आपको जल्दी बता दूंगा, जो वीडियो में लेके आ रहा हूँ सारे डाउट उसमें क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। और एडिटिंग वाले में फाइंड रिप्लेस वाला सब कुछ हो चुका है, रिप्लेस के अंदर कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। अभी बहुत बच्चे कह रहे थे साहब छोड़ दिया, कुछ ऑप्शन रहे हैं जैसे मैच केस वाला है, ये वाइल्ड कार्ड वाला है, इनको मैं बाद में बता दूंगा, जैसे जैसे इनका यूज आता रहेगा मैं आपको बता दूंगा। स्पेशल वाले में देखो, पैराग्राफ मार्क मैंने बता दिया, टेप करेक्टर बता दिया, और उसके बाद में एनी डिजिट एनी करेक्टर ये सब बता दिया, एनी लेटर वाला, ठीक है, पैराग्राफ करेक्टर बता दिया, ईएम डैश ईएन डैश बता दिया मैंने, एंड नोट फुट नोट वाला, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, उनके क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा। इधर सरफिक्स परफिक्स वाला भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो चुका है, होम टैब में कुछ रहा नहीं है। फॉर्मेट पेंटर का यूज अपन ने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में कर लिया था, कोट को भी पेस्ट किया, आपको सबको पता है क्या किस तरीके से करते हैं। अब हम कल जो क्वेश्चन लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे दोस्तों टेबल के, और टेबल में भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। कल हम करेंगे ओनली और ओनली टेबल का बेसिक, और उसके बाद हम करेंगे टेबल का एडवांस लेवल, ठीक है, क्योंकि टेबल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन टेबल पर बनते हैं और बने भी हैं आज तक। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी इसका कमेंट मुझे जरूर कर देना, और ध्यान में रखना कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, ऐसा नहीं खुद ने देख लिया और उसके बाद बंद कर दिया, नहीं, सभी तक ये वीडियो पहुंचे। और इसकी पीडीएफ है, जो क्वेश्चनों की पीडीएफ और ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिन्होंने मुझसे बुक परचेज की थी उन सबको मैं सेंड कर दूंगा अभी। और इसके बाद में रही बात बुक खरीदने की, तो जिनको खरीदना है वो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं यहाँ पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस बुक को खरीद ले, सभी खरीद ले, मैं तो यही चाह रहा हूँ। अभी तक जिन्होंने भी खरीदा है बहुत अच्छी बात है, उनको डेली पीडीएफ मिल रही है, डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, 40 रुपए कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, इससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी चीजें मिल रही है, आप खुद प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। ऐसा नहीं है सर लाइव पढ़ा रहे तो फिर क्या जरूरत है बुक खरीदने की, मैं तो पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे वापस इन क्वेश्चनों की तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए इस बुक को जरूर खरीद ले। अपने दोस्तों को भी बताएं जिन्होंने बुक खरीद ली है, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे जो वीडियो बनाया था मैंने बुक का, उसके नीचे जाके कमेंट जरूर करेंगे आपको बुक कैसे लगी, क्योंकि बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं बुक पता नहीं कैसी होगी, तो उनको भी पता लगना चाहिए ना कि
बुक है उसके अंदर वास्तव में कुछ दिया गया है या ऐसे ही सर मतलब झूठ बोल रहे हैं क्या है, तो इस तरीके से आप कमेंट जरूर करें कि आपको जैसी बुक लगी हो वैसे आप कमेंट करें, ठीक है। जैसा भी आपका फीडबैक होगा मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है। आप अच्छी कहेंगे तो भी बात मेरे लिए अच्छा है, और आप बुरी कहेंगे तो भी जैसी है वैसी आपको बोल देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मैंने आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मोटिवेटेड आप भी मुझे कीजिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, और किसी भी प्रकार की समस्या हो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, और या फिर मुझे व्हाट्सएप फेसबुक से जहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कर लेना, आपको रिप्लाई कर दूंगा। नहीं भी अगर हो पाता है तो अगर इमरजेंसी हो ज्यादा ही तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये वेबसाइट जो है एग्जाम टास्क है, यहाँ पर मिस्टेक से ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो इंस्टाग्राम की वेबसाइट आपको दिख रही है www.examtask दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आप वेबसाइट वगैरह ऑनलाइन वाली वेबसाइट है यहाँ मेरे को बता सकते हैं, व्हाट्सएप आ जाना, फेसबुक, कहीं भी आपको जहां जरूरत पड़े सब जगह मैं आपके लिए तैयार हूँ। बुक आप ज्यादा से ज्यादा खरीद लेना, मैं यही बार बार आपको कह रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, और कोई बात नहीं है, आप खरीदो या ना खरीदो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी के भी, ना आपके ना मेरे फर्क पड़ता है, ठीक है। दोस्तों फिर मिलेंगे कल नई क्लास के अंदर, आज लेट हो गया था उसके लिए फिर से मैं आपसे एक बार सॉरी बोल रहा हूँ कि अब से ऐसा नहीं होगा, कोई जरूरी काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा जिसकी वजह से आप लेट हुआ मैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।